इस वक्त की बड़ी खबर जलंधर के रामा मंडी तो निकल के सामने आ रही है, जिथे नौजवान का कतल कर दिया गया। गोलियां मार के नौजवान नु मौत के घाट उतारे गए। मृतक के परिवार ने रोस वजो रोड जाम कर दिया। गोली लगन कारण एक होर नौजवान जख्मी होया। दस दिए कि पुरानी रंजिश का मामला दसा जा रहा है। जलंधर के रामा मंडी के इलाके खबर निकल के सामने आई, जिथे फायरिंग हुई, एक नौजवान की मौत हुई। मृतक के परिवार ने रोस वजो रोड जाम कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर जलंधर तो निकल के सामने आई है, जिथे गोली मार के नौजवान नु मौत के घाट उतारे गए। गोली लगन कारण एक होर नौजवान जख्मी होया। जलंधर के रामा मंडी इलाके तो खबर निकल के सामने आ रही है, जिथे गोली लगन कारण नौजवान का कतल होया। गोली मार के नौजवान मौत के घाट उतारे गया। गोली लगन कारण एक होर नौजवान जख्मी होया। रोस वजो परिवार ने रोड जाम कर दिता है। पुरानी रंजिश का मामला दसिया जा रहा है, मामले की जांच जा रही है। दस वक्त की वड्डी खबर जलंधर के रामा मंडी तो निकल के सामने आ रही है, जिथे रामा मंडी दे विच नौजवान का कतल किया गया। गोली मार के नौजवान नु मौत दे घाट उतारिया गया। मृतक के परिवार ने रोस वजो रोड जाम कर दिता है। इस खबर से वधेरे अपडेट दे लई मेरे सहयोगी सुनील महेंद्रू फोन लाइन से बन चुके हैं। तो जी की खबर से अहम जानकारी है रविंदर? बीती रात देर का मामला है, जो कि फेस्टिवल डेज ने पटाके वगैरह हर तरफ चल रहे थे, उस दरमियान ही ये जलंधर के रामा मंडी इलाके दे विच दोहा एक दकोहा पिंड है, जिस दे विच कि ये इंसीडेंट होया। कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जो कि इतने गोलियां चलाईया, लेकिन इलाके वाले ने यही गल ही समझते रहे कि शायद अजे भी पटाके ही चलते, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इतने हफरा तवी का माहौल पैदा हो गया, जो कि जख्मी एक हालत जरा कि उतों के कहने वाले जो कि महंत ने कोई जरा नाम महंत है आलू नाम के नाल उर्फ आलू यह नाम दसया जा रहा है, इस गोलियां लगिया और लगन के नाल उत्थे हफरा तवी का माहौल पैदा होया और उस तुरंत इतों के नजदीक प्राइवेट हस्पताल के दाखिल कराया गया, जिथे कि उसके डॉक्टर ने और पुलिस ने इन्हों मृतक घोषित करता। कुलविंदर दसिया जा रहा है कि इन्हों की एक पुरानी रंजिश है, जिसकी अज तो कुछ दिन पहला भी इन्हों के ऊपर हमला होया, उसकी शिकायत पुलिस वालों दी भी गई, लेकिन बावजूद वो पुलिस वालों किसी प्रकार की कोई उच्च कार्रवाई ना करने के बावजूद यह जरा सारा इंसीडेंट होया और अब बीती रात एक आदमी की मौत हो गई। कुलविंदर तो जो एक होर नौजवान इस मामले दे विच जख्मी होया, उसकी हालत कहोजी है ते परिवार वालों की मांग की जा रही है? कुलविंदर जख्मी हालत में आदमी जो दसा जा रहा है वो हालत ठीक है, लेकिन परिवार वाले ही कहना है कि पुलिस के वालों कार्रवाई ना की जाते एवज के अजे तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई पुलिस वालों नहीं की गई, लेकिन पुलिस का देर रात यो गल कहना कि उन्होंने उनकी भैन के मां कहने के उपर मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जेड़े आरोपी ने उन्हें तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुलविंदर जी तो सुनील जिस हिसाब के नाल यह वारदात वापरी, पुलिस उत्थे किन्ने समय दे विच पहुंची? पुलिस वालों जिस हिसाब से परिवार इल्जाम लगा रहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस का की कहना है कि पुलिस का कोई पक्ष सामने आया? कुलविंदर बीती रात जो ये इंसीडेंट होया तुरंत इसका जो कंट्रोल रूम के फोन चला गया, लेकिन पुलिस उस तो करीब दो घंटे बाद मौके वारदात से पहुंची, जोड़ा कि ये उतों के परिवार वाले का कहना है, जिसके गुस्से के स्वरूप उन्होंने रोड भी जाम किया, लेकिन पुलिस जो दो घंटे बाद उसे पहुंची है उसके बाद ही इन्हों सारा समझा के ते रोड का जाम करवाया गया और पुलिस का एक गल ही कहना उन्होंने आश्वासन है कि उन्होंने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुलविंदर ठीक है, तो सुनील थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया खबर से अहम जानकारी दिसांच पाउन लई। तो तुहानू दस दईए कि जलंधर के रामा मंडी इलाके च नौजवान का कतल किया गया। गोलियां मार के नौजवान नू मौत दे घाट उतार दिता गया। मृतक के परिवार ने रोस वजो रोड जाम किया। गोली लगन नाल एक होर नौजवान भी जख्मी होया। पुरानी रंजिश का यह मामला दसिया जा रहा है, तो फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। अंदर आ गए गोलियां चला के, अभी खोल भी दिते, उन्होंने सब कुछ दिता। एक नौजवान इंजर्ड हुआ है, तो तभी हम पहले मौका पे पहुंचे और अभी कुछ देर पहले हम यहाँ जौहल हॉस्पिटल में, जहाँ के वो इंजर्ड है जो लड़का, जिसका नाम रोहित शर्मा था, तो वो वहाँ पे दाखिल था, तो उसके डॉक्टर के अकॉर्डिंगली गोली लगी है। वो एक गोली उन्होंने बोली है, मगर मौका पर हमें बुलेट दो मिले हैं, तो अभी उनकी डेथ हुई है लड़के की। मेरी सैड न्यूज़,
तो उनकी सिस्टर का हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, उनकी स्टेटमेंट के रिकॉर्ड के आधार पर हम FIR दर्ज करके जो आरोपी उन्होंने बताए हैं उनको हम सभी को राउंड अप कर लेंगे इमीडिएटली।